क्या आपको पता है कि लफ्ज सदमे की हकीकी तारीफ रुकावट या रास्ते का पत्थर होता है? जब सदमे की बात आती है तो आपके पास इंतखाब होता है, क्या आप सदमे में डूबे रहना चाहेंगे क्योंकि फिर वो आपकी जिंदगी के रास्ते का पत्थर बन जाता है, या आप बस ये कहना सीखेंगे नहीं मैं सदमे में नहीं डूबूंगा। अगली पेशकश में हम इस पर बात करेंगे। मेरे पास मुख्तलिफ मौजूआत पर बहुत से सवाल आते हैं, पर आज हम ऐसे मौजू को लेंगे जो बहुत अहम है और वो है सदमा। इस पर कैसे काबू पाते हैं? आपके पास कोई रास्ता है? क्या आप अपने जज्बात को बदल सकते हैं? फहरिस्त बहुत बड़ी लंबी है, इसलिए जिंजर स्टाकी यहाँ है और आज हम अपने नाजरीन के चंद सवालों के जवाब देने वाले हैं। जिंजर, प्रोग्राम में दोबारा आने का शुक्रिया। शुक्रिया जॉयस, आज आपके लिए बहुत सारे अच्छे सवाल आते हैं। इस सदमे के मौजू पर लोगों ने क्या क्या पूछा है? सीधे सीधे अमली बात की तरफ चलते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में गुजर रहे होंगे। पूछा गया है, मैं और मेरे शौहर हमेशा लड़ते रहते हैं। हम हमेशा एक दूसरे की गलती ढूंढते हैं और उन्हें पता है कि मेरा कौन सा बटन दबाएं और वो बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं। मैं उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा और खफा हूँ। मेरे ख्याल में अच्छी बात यह है कि वो एतराफ करती है कि उसे मदद की जरूरत है। पहली बात जो मेरे जहन में आती है वो मेरे और मेरे शोहर के बीच की सूरत हाल, जहाँ हम बरसा बरस वही चीजें करते रहे। हम बात शुरू करते बहुत ही सीधी सादी बात से और फिर वो बदल जाती तकलीफियों में और एक दूसरे पर हम इल्जाम तराशने लगते और मेरा हाल ऐसा होता था कि ये कैसे हो गया? इतनी मामूली सी बात पर हम एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? मैं दुआ करती और सोचती कि ऐसा क्यों हुआ और गलती क्या थी, क्योंकि मैं इस नुक्ते पर पहुंची जहां मैंने महसूस किया कि जैसे हम किसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते। फिर मैं देव से कहती हम किसी बारे में बात नहीं करेंगे, और जब जब मैं ये कहती तो वो और भी ज्यादा गुस्सा होते और कहते हम बात ही नहीं करेंगे। तुम बात करती हो और चाहती हो मैं सुनूं, और अगर मैं तुमसे इत्तफाक नहीं करता तो तुम नाराज होती हो। मैं कहती ये सच नहीं है और फिर बात बद से बदतर हो जाती। मुख्तसर ये है कि खुदा ने मुझे ये बताया कि चूंकि मेरी अपनी बचपन की जिंदगी में कबूल न किए जाने की जड़ पैवस्त है, इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि जब बहस के दौरान देव मुझसे इत्तफाक नहीं करते तो उस पर कैसे काबू पाऊं। अगर मैं देव से पूछती कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, तो हकीकत में मैं चाहती कि वो मेरे ख्याल से इत्तफाक करें, क्योंकि उनके इत्तफाक करने से मैं और भी पूरा एतमाद महसूस करती हूँ। और अगर वो मुझसे इत्तफाक नहीं करते तो मैं इसे जाती नामंजूरी समझ लेती हूँ, और मुझे ये सीखना चाहिए कि किस तरह लोगों को उनकी राय रखने दूँ और ये समझूं कि अगर वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो शख्सी तौर पर मुझसे भी इत्तफाक नहीं रखते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि हम जो हैं उससे अपनी राय को अलहदा रखें। मैं नहीं जानती कि लेकिन आया मुझे यही सूरत बहुत से लोगों के लिए हाँ ये बहुत ही आम सी बहुत से लोगों के लिए, और मैंने ये जाना है कि जितनी ज्यादा मैं महफूज हूँ उतनी मैं इन बातों की परवाह नहीं करती कि लोग मुझसे मुत्तफिक हैं या नहीं, और मैं ज्यादा तैयार रहती हूँ ये कहने के लिए कि हो सकता है मैं सही नहीं हूँ, हो सकता है मुझे इस पर दूसरे नजरिए से गौर करने की जरूरत हो। लोग घमंड की वजह से बहस करते हैं, ये बस घमंड होता है। हकीकतन बाइबल कहती है कि तनाजे और सदमे की असल जड़ घमंड का होना है। मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक चीज तो मैं यकीन तौर पर कहती हूँ, अगर किसी शख्स को सचमुच मदद चाहिए और वो सचमुच हालात को बदलना चाहते हैं तो आपको खुदा से ये पूछना चाहिए कि मुझ में क्या खराबी है, क्योंकि अक्सर हम चाहते हैं कि सामने वाला शख्स बदले ताकि ये दोबारा ना हो। लेकिन मैं दूसरे लोगों के बारे में कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अपने लिए खुदा के साथ ताउन रख सकती हूँ। मेरा ख्याल है अगर हमारे नाजरीन खुदा के सामने संजीदा हो जाएं उस बारे में जो वो करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे कम अज कम बात थोड़ी बहुत बनने लगेगी, और फिर जब वो अपने शौहर के बाबत दुआ करना जारी रखेगी तो खुदा उससे निपटने लगेगा, ये बात तय है। ये अच्छी बात है और ये कारगर होती है अज़दवाज़ी तालुकात, बच्चे और वालदेन और दोस्ताना तालुकात में, या चाहे कोई भी चीज़ हो। जब आप महसूस करें कि आपको इजा पहुंच रही है तो वो सारे अमली इकदाम क्या हैं जो आप कर सकती हैं? एक चीज जो मैंने अपने बारे में जानी है कि बस सिर्फ खुद से कहूँ मैं वहाँ गई थी और वो किया, इससे बात नहीं बनी है, कोई फायदा नहीं हुआ, मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि उससे सचमुच बात नहीं बनती है। इससे आप सिर्फ तबलीग में मुब्तिला होते हैं। अपनी जिंदगी के कितने दिन मैंने मायूस रहकर बर्बाद कर दिए और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उससे कोई चीज नहीं बदली, उससे कुछ नहीं बदला, इससे ताल्लुकात और भी बिगड़ गए। हम बहुत खुश रहे अगर हम चीजों को
और उनके मसाइल के बारे में दुआ करना सीख जाए। बाज़ औकात मेरे ख्याल में आपको चंद चीज़ों से बचना चाहिए खुद को बचाने के लिए। जैसा कि उस खातून ने कहा, मेरे शौहर जानते हैं कि कौन सा बटन दबाना है। हकीकत में शैतान ये जानता है कि कौन सा बटन दबाना है और ये भी जानता है कि किसके लिए दबाना है, इसलिए हमें उन बटनों को बंद करना आना चाहिए। ये मेरे ख्याल में आप सीख सकती हैं, मेरे ख्याल में हम सीख सकते हैं। मुझे उस पहलू पर इतना हिसास नहीं रहना है, मेरा वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए मुझे परेशान रहने की जरूरत नहीं। आज के इन तमाम सवालों का एक बड़ा जवाब यह है कि जज्बात के बहाव में कभी ना बहें। हमारे जज्बात हैं मगर हम जज्बात नहीं हैं। हमको जज्बात को काबू में रखना है, ना कि जज्बात को हम पर सवार होने देना है। एक चीज जिसने खुदा की राह पर चलने में मेरी बहुत बड़ी मदद की जिंजर, वो बरसों बरसों और कई बरसों के बाद ये समझना कि मुझे गलत महसूस होता होगा लेकिन फिर भी मैं वो करना चुन सकती हूँ जो सही है। जब तक कोई शख्स ये नहीं समझता कि उसे कभी कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि जज्बात तो कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। आप नहीं जानते कि वो कब उभर जाएंगे और बाज़ औकात तो वो बहुत गैर मौजू वक्त पर उभर जाते हैं। बाज़ औकात इन्हीं की वजह से हम अच्छा महसूस करते हैं और बाज़ औकात इन्हीं की वजह से हम अच्छा महसूस नहीं करते। जज्बात अहम है पर उन्हीं की वजह से बड़ा मसला भी खड़ा होता है। हमें जज्बात को सिर्फ जज्बात के तौर पर लेना चाहिए और उन्हें अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना है कि वो हमें सच्चाई और हकीकत बताएं। क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं महसूस कर सकती हूँ कि मुझे पसंद नहीं किया जाता, पर हकीकत में सामने वाला शख्स ऐसा कुछ नहीं सोचता। यही मेरे और डेव के बीच होता था। वो मुझे बस ये बताने की कोशिश करते जो उनकी ईमानदाराना राय होती, पर अगर उनकी राय मेरी राय से मेल नहीं खाती तो मुझे लगता कि मेरी अहमियत नहीं है। फिर मैं उसका रद्द अमल जाहिर करना शुरू करती और वो और ज़्यादा उलझ जाते, क्योंकि वो तो बस मेरे साथ मुखलिस रहने की कोशिश कर रहे थे। और फिर उन्हें ऐसा महसूस होता, तुमसे बात करने का भी मतलब नहीं है क्योंकि मैं तुमसे ईमानदारी से कुछ नहीं कह सकता और मैं हकीकतन उनको समझ नहीं पाती क्योंकि मैं जख्मी जज्बात और एहसासात का सहारा लेती, ना कि कलामी इलाही का। मैं जज्बाती होकर अमल करती जबकि मुझे कलामी इलाही पर अमल करना होता। बेशक हम जानते हैं कि अगर हम खफा होकर जीना नहीं चाहते, सचमुच नहीं नहीं चाहते, तो हमें माफ़ करना बहुत अच्छी तरह आना चाहिए और माफ़ करने के लिए रहम चाहिए और दूसरे शख्स की अच्छाइयों पर यकीन चाहिए। मैं कह सकती हूँ उससे तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझे क्यों तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, या मैं अपने दिल में सोच सकती हूँ मैं सिर्फ बेहतरी का सोचूंगी। मैं यकीन नहीं करती कि उस शख्स को ये भी पता है कि उसने जो कहा उससे मुझे कितनी तकलीफ हुई, या फिर वो मेरा सवाल समझ ना पाए। बहुत से तरीके हैं जिससे हम खुद को पूरा दिन परेशान होने से बचा सकते हैं और ज्यादातर ऐसा सोचकर हम खुद को ही तकलीफ पहुंचाते हैं, क्योंकि अक्सर औकात सामने वाला शख्स जो है उसको पता नहीं होता कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे हमें तकलीफ हुई है। उन्हें पता भी होता है तो वो इसकी फिक्र नहीं करते, इसलिए हमें बहुत सी चीजों को दरगुजर करना चाहिए ताकि हम परेशान ना हो। ये सचमुच अच्छी बात है क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अपने जहन को कलाम इलाही के जरिए नया बनाकर उससे हर सूरत को समझा जाए कि क्या ये खुदा के कलाम के मुताबिक है और उसी तरह से मुझको उस पर अमल करना है। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूंगी कि बहुत से ईसाई चर्चों में बैठे हुए हैं और जो खफा हैं और उन्हें पता नहीं है कि उनसे कैसे निपटे पूछा गया है। मैं ऐसे चर्च में हूँ जो बहुत सर्द है, लोग एक दूसरे से दोस्ताना माहौल में रहना नहीं चाहते, उन्हें मुझ में भी कोई दिलचस्पी नहीं, हालांकि वो प्यार की बात करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ? मेरा सोचना ये है कि इस शख्स को मेरे ख्याल में ये फैसला करना चाहिए कि वो मिसाल बनेगा। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में अक्सर औकात हम चर्च में भी बिल्कुल गलत मकसद से जाया करते हैं। हम कुछ पाने के लिए जाते हैं, हम अपनी जरूरत को पूरा करने जाते हैं, हम लोगों से दोस्ती करने जाते हैं, हम जाते हैं ताकि लोग हमारी वाहवाही करें। क्या होगा अगर हम इन सब से हटकर कुछ देने का जज्बा लेकर जाएं? हो सकता है लोग सर्द हैं क्योंकि उन्हें दुख पहुंचाया गया है, हो सकता है ये कोई सिर्फ मजहबी ऑर्गेनाइजेशन हो जो खुदा के साथ गहरे जाती ताल्लुकात नहीं रखता हो जो उन्हें रखना चाहिए, हो सकता है वो चर्च जाते हों फर्ज समझ कर, लेकिन मुझे जाकर ये करना है और वो ख़त्म करके घर लौट जाना है, मेरा ये फ़र्ज है, मेरी ये जिम्मेदारी है। हो सकता है उस शख्स को दूसरा चर्च तलाश करने की ज़रूरत हो, लेकिन अगर वो महसूस करते हैं कि खुदा चाहता है कि वो वहीं रहें तो फिर हर हफ्ते ये रवैया लेकर वहाँ ना जाएं कि मैं जाकर देखता हूँ इस हफ्ते वो मेरी ज़रूरत पूरी करते हैं या नहीं। इसके बजाय मैं इस जज्बे के साथ जाऊंगा कि किसी और को खुश करूं, मैं दोस्ताना रवैया रखूंगा, मैं किसी की तारीफ करूंगा। मैं अक्सर बाइबल के उस उसूल के बारे में सोचती हूं कि आप जो बोते हैं वो पाते हैं। अक्सर दफा हम वहां पाना चाहते हैं जहां कुछ बोते नहीं है और हमें पहले बोना है फिर
पाने की उम्मीद करनी है। मेरे ख्याल में अजदवाजी रिश्ते में भी हम कितने अरसे तक बस अड़े रहते हैं। मैं जानता हूँ कि वो चीज़ अलग ढंग से होनी चाहिए, और अगर तुम बदलोगी तो फिर मैं बदलूंगा या मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि तुम उसे नहीं करती हो, या मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि तुम माफ़ी नहीं मांगती हो। लेकिन खुदा को हकीकतन मुझे सिखाना पड़ा कि जो शख्स मुकम्मल तौर पर रूहानी एतबार से ज़्यादा पुख्ता होता है, वो पहल करता है, वही आगे बढ़ता है, उसी से आपका रिश्ता कायम रहता है। वो नहीं जो बैठे बैठे सोचता है कि कोई आकर उससे माफी मांगे, वो नहीं जो बैठे बैठे सोचता है कि कोई और आकर उससे सही सलूक करे, बल्कि वो जो ये कहता है मैं वो करूंगा जो सही है, फिर चाहे उसका सिला मुझे तुमसे ना मिले, खुदा मुझको उसका सिला जरूर देगा। हमें उस ज़ादे वाहिद के लिए जीना है, ना कि लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है जो इस हफ्ते आप अपने जहन में लेकर घर जा सकते हैं। जहन में ये जज्बा लिए जाएं कि आप देंगे और हिस्सा लेंगे, ये सोच कर जाएं मैं जरूरतमंदों को तलाश करूंगा, मैं दुखी लोगों को ढूंढूंगा, मैं किसी ऐसे को तलाश करूंगा जो अकेला हो। हकीकत में हमें हमारी जिंदगी में पूरी तरह इससे बाहर निकलना है, मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या, क्योंकि हम में से एक भी खुश नहीं हो सकता जब तक हम ऐसा करेंगे। मुझे पता है मैंने एक उम्र गुजार दी और हर उस तरह से कोशिश करके देखी जो आप कर सकते हैं, और मैंने जाना कि रोजाना घर से बाहर निकलने का बेहतरीन तरीका यह है कि ये ख्याल जहन में रखें कि आज आपको किसी के लिए कुछ करना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये सवाल बड़ा अच्छा है, और हो सकता है अगर हम इसका जवाब चंद मिनटों में दे दें या जरूरत पड़े तो ब्रेक के बाद भी इसका जवाब खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद से जुड़ा सवाल है। पूछा गया है, क्या बराए मेहरबानी आप मुझे बताएंगे कि जब मुझे बुरा महसूस हो तो उस पर कैसे काबू पाऊं। मैं बुरा महसूस करती हूं जब लोग सिर्फ मजाक में कुछ कह देते हैं, क्योंकि मजाक मजाक में लोग दिल की बात कह देते हैं, हालांकि मैं जानती हूं वो जानबूझकर मुझे दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। अगर आप गौर करें जिंजर, इस सवाल में लफ्ज महसूस बार बार आया है। मैं ये महसूस करती हूँ, और तकलीफ महसूस करती हूँ, और बुरा महसूस करती हूँ, इसके आधे जवाब के लिए मुझे फिर दोहराना पड़ेगा जो मैं पहले कह चुकी हूँ। इस जज्बात और एहसासात के पहलू पर हम रूह हैं, हमारे पास दिल है, और हम जिस्म में रहा करते हैं। हमें ये यकीन रखना चाहिए कि हमारे पास दिल है, दिल के पास हम नहीं हैं, क्योंकि दरअसल मेरा दिल मेरा जहन है कि मैं किस तरह सोचता हूँ, मेरी मर्जी, और मैं क्या चाहता हूँ, क्या महसूस करता हूँ। मेरा दिल मुझे खुदा के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, वो मुझे बस मेरे बारे में बताता है, मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या महसूस करती हूँ। बाज़ औक़ात जब मैं इसकी तबलीग करती हूँ तो मैं मजाकन इसके बारे में कहती हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं महसूस करती हूँ। और अगर हम सचमुच एक दूसरे को सुने तो हर वक्त यही चलते रहता है, मैं चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, मुझे आपसे कहने दें कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ। मुझे इससे कुछ ज़्यादा गहराई में जीना सीखना पड़ा। क्यों ना हम ब्रेक ले लें और जब वापस लौटें तो हम बात करेंगे कि हम किस तरह कुछ और ज़्यादा गहराई में जाएं और ख़ुद को ईज़ा पहुंचाना तर्क करें, क्योंकि खुदा चाहता है हम अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं। और अगर हम हर वक्त दुखी होते रहेंगे और बुरा मानते रहेंगे कि कोई और हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, तो हम जैसे शैतान को खुला छोड़ देते हैं कि वो रात दिन हमको तकलीफ पहुंचाए, पर हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहें, हम अभी हाजिर होते हैं। आप खालीपन महसूस करते हैं, ठुकराए हुए महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, गुमे हुए महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं। आपने खुदा के बारे में सुना, खुदा पर यकीन भी करते हैं, लेकिन अभी भी आप अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्यार करे, आप अपनी पहचान तलाश रहे हैं, आप आवाज़ खुदा को सुनना चाहते हैं। मेरा प्यार दुनिया को बताओ, जॉयस मायर की किताब आपकी मदद करेगी ये जानने के लिए कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है, और आप खुदाई प्यार की ताकत के साथ एक फातह जिंदगी जी सकते हैं। मुफ्त किताब के लिए लिखिए। हमारा पता है, जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज, पाकिस्तान, PO बॉक्स 440 GPO रावलपिंडी, पाकिस्तान। हम यहाँ
स्टूडियो में दोबारा हाजिर हैं जिंजर के साथ और मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रही हूं कि आप किस तरह सदमे से बच सकते हैं। तो जिंजर, हम एक बहुत ही गर्मा गर्म सवाल के बीच में हैं, तो क्यों ना आप मुझे दोबारा से सवाल पढ़कर सुना दें। बिल्कुल, जवाब था, क्या बराए करम आप मुझे बताएंगी कि मैं किस तरह काबू पाऊं जब मैं महसूस करती हूं कि लोग मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मैं अक्सर तकलीफ महसूस करती हूं जब लोग मुझे मजाक में कुछ कह देते हैं, हालांकि मुझे पता होता है कि वो जानबूझकर मुझे दुख पहुंचाना नहीं चाहते। हम बात कर रहे थे महसूस करने की और किस तरह ये सवालात जो सदमे पर भेजे गए हैं वो इस बारे में है कि लोग क्या महसूस करते हैं और वो महसूसात हमारे जिस्मानी इंसान का हिस्सा या यूं कहें कि दुनियावी इंसान का हिस्सा है। और बाइबल हमें सिखाती है इब्रानियों 4 में कि एक चीज़ जो हमें कतई तौर पर करनी चाहिए वो ये कि किस तरह कलाम इलाही की मदद से दिल और रूह को अलहदा करें। तो ये अहले ईमान के लिए करना बहुत ज़रूरी है अगर हम आज़ाद रहना चाहते हैं। तो आज़ादी से मुराद ये है कि जो दूसरे लोग हर वक्त करते हैं उससे मुझे सदमा नहीं पहुंचना चाहिए और ना उसका बुरा मानना चाहिए। फिर मुझे आना चाहिए कि दिल और रूह को अलग कैसे रखा जाए और मुझे जानना चाहिए कि खुदा क्या है और मैं क्या हूं। इसलिए हमें ये सीखना चाहिए कि गहराई में कैसे जाएं। बाइबल इफिसियों में हमें सिखाती है कि हमें खुदा के प्यार में गहराई तक पैवस्त होना है और खुदा के प्यार में अपनी हिफाजत की बुनियाद रखनी चाहिए। इसलिए मेरी अपनी जाती राय यह है कि जब हम आसानी से बुरा मानते हैं या जब हम बहुत हिसास होते हैं तो इसकी वजह हमारे अंदर गहराई में दबा अदम तहफूज का एहसास होता है। मैं सचमुच समझती हूँ जब हमें सचमुच पता होता है कि मसीह में हम क्या हैं तो हम इस्लाह को भी कबूल कर लेते हैं क्योंकि हम कुछ साबित करना नहीं चाहते हैं। ये ऐसा है कि अगर आप कहें जॉयस मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये या वो करना चाहिए तो मुझे हकीकतन आपकी बात पर गौर करना चाहिए और हो सकता है उससे मैं कुछ सीखूं। अहम बात यह है कि अगर आप गलत हैं और मैं सही हूं तो ठीक है, पर अगर आप सही हैं और मैं गलत हूं तो अगर मैं पूरी तरह महफूज हूं तो क्यों ना कुछ सीखने की कोशिश करूं। बाइबल दर हकीकत कहती है कि सिर्फ नादान ही इसलाह से नफरत करते हैं। और फिर आप इसे कितने लोगों से मिलते हैं जो हकीकत में इसलाह चाहते हैं और पसंद करते हैं? बहुत नहीं है। और इसकी वजह वो अदम तहफूज और खौफ है जो खुद के बारे में हमारे अंदर है। इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें खुश करते रहें। हम चाहते हैं कि आप हमको हमारे बारे में खुश रखें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि लोग हमें दुख दें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये अच्छा नहीं है कि लोग हमें हमारे बारे में खुशी महसूस कराएं। हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की सलाह करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि तनाज़ा ना खड़ा हो, लोगों को दुख ना दे। पर मैं इस पर हर वक्त इंसार नहीं कर सकती, इसलिए मैं इस सूरत में आना नहीं चाहती कि हर वक्त अच्छे लोगों को तलाश करती रहूं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए जैसे मेरी जिंदगी में कोई सदमा खोर चाहिए, कहना मतलब ये खुदा में मुझे ज्यादा महसूस समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर मेरा वास्ता ऐसे लोगों से पड़े जिनके खुद अपने मसायल हों और जिसके बिना पर वो कुछ ऐसा करें कि उससे मुझे दुख पहुंचे, तो मैं खुदा में अपने आप को महफूज समझूं और उससे मेरा दिन पूरी तरह बर्बाद ना हो पाए। और आपने कहा कि आज़ादी का ये मतलब नहीं कि आपको कुछ साबित करना है और यही सही आज़ादी है। ये अच्छी बात है कि मुझे खुद को इतना गैर महफूज नहीं समझना है कि मुझे बार बार खुद को साबित करना पड़े। इसमें बहुत सी कब्जी दूर हो जाती है। और ये वो समझना है कि मसीह में आप क्या हैं। मसीह में ये इस्तिलाह मसीह में बाइबल में मिलती है बहुत दफ़ा। और हकीकत में यीशु मसीह के मानने वाले का मतलब होता है कि आपको उनमें एक नई पहचान मिलती है। मेरे कदर कीमत, मेरे काम के सबब, या मैं किसी तरह से अपने आप को पेश करती हूँ, या मैं कैसी दिखती हूँ, या मेरे पास क्या है, या मैं किसे जानती हूँ, या मैं क्या कर सकती हूँ, या मेरी तालीमी लियाकत क्या है, उससे नहीं होती है। मेरी कदर कीमत मसीह में मैं क्या हूँ उससे होती है। कुछ दूसरी चीज़ें मेरे लिए बहुत कीमती हो सकती हैं लेकिन वो मुझे किसी और से बेहतर नहीं बना सकती। अगर वो चीज़ें मेरे पास नहीं हैं तो भी मैं किसी से कम दर्जा नहीं हो। बाइबल उसे यूं बयान करती है, कोई मर्द या औरत नहीं है, ये यहूदी और यूनानी, गुलाम या आज़ाद, बल्कि मसीह में हम सब एक हैं। तो उनसे बाहर हमारी कोई कीमत नहीं है। मेरी कद्र जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज की सरबराह होने से नहीं है। और ये मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि क्या होगा अगर ऐसा वक्त आ जाए जब मैं ये सब ना कर पाऊँ या ये सब ना करती हूँ? क्या होगा अगर कभी खुदा ये फैसला करे कि इस पहलू पर अब मेरा काम खत्म हो चुका है? इसका ये मतलब नहीं कि ज़ाती तौर पर मेरी कोई कद्र नहीं, और मैं ये खुद को याद दिलाती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं हमेशा ऐसा करूँगी। लेकिन अगर नहीं भी करूँ तो भी ये ना सोचूं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और अब मेरी कोई कद्र कीमत नहीं है। मेरे ख्याल में लोगों को खुद से थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए और कहना चाहिए मेरी कद्र कीमत उस सलूक में नहीं जो तुम
मेरे हाँ। साथ करती हो क्योंकि तुम मेरे साथ अच्छा सलूक करो और फिर तुम्हारे मसायलों की वजह से तुम मेरे साथ इतना अच्छा सलूक ना करने लग जाओ। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे ये सब बातें पता नहीं थी और मेरा बाप मुझसे बदसलूकी किया करता था। वो मेरा जिनसे इस्तेसाल करता वो जालिम था, वो गुस्वर था। मुझ पर हर वक्त तोहमत लगाई जाती। मैं कलाम इलाही से नाआशना थी, इसलिए जो समझता और कहता वही मेरी पहचान बन गई। मैं बहुत ही गैर महफूज लड़की के तौर पर बड़ी हुई, जिसे ये सारी चीजें किसी और जरिए से चाहिए थी ताकि खुद के बारे में अच्छा महसूस करें और मैं खुद को काम कर करके मारे डालती अपने कद्र बनाने के लिए। मैं मुसलसल चंद महसूस लोगों के साथ रहने की कोशिश करती क्योंकि वो लोग अहम लोग हैं और अगर मैं उस ग्रुप का हिस्सा बन जाऊं तो मेरी भी कद्र होगी। और फिर मुझे एक बार फिर दुख पहुंचा ये जानकर कि वो मेरी ज़रा भी परवाह नहीं करते हैं। तो इन सब तमाशों से गुजरने के बाद आखिरकार मैंने जाना कि हमारी सही कद्रों कीमत उसमें है कि मसीह में हम क्या हैं। और यही कुछ बाइबल का मतलब है जब वो कुरिन्थियों 2:5-17 में कहती है, अगर कोई शख्स मसीह में है तो वो नई मखलूक है, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो अपने कदरों कीमत आंकने के पुराने उसूल ख़त्म हो जाते हैं और मसीह में हम बिल्कुल नई मखलूक बना दिए जाते हैं एक बिल्कुल नई शुरुआत के साथ। पर हमें उस तरह चलना चाहिए। आपको सीखना चाहिए, आपको खुद को बताना चाहिए, आपको मुताला करना चाहिए और ये सीखने में थोड़ा बहुत वक्त लग जाता है। हाँ, पर खुदा का शुक्र है कि वो करने की हमें काबिलियत देता है और वो हमारी कद्र बढ़ाता है, वरना हम हर वक्त दुखों से बेजार होते फिरेंगे। जाहिर है जब आप बात कर रही है कि हमें चुनना चाहिए कि हम बुरा नहीं मानेंगे, तो इसका इस बात से कोई सरोकार नहीं कि आपको हक है बुरा मानने का, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोगों से झूठ कहा जाता है, ख़राब चीज़ें होती हैं और फिर भी हमें एक होता है कि बुरा माने। यहाँ एक सवाल है, जॉयस, आप बिल्कुल बुरा नहीं मानती जब प्रेस और राइटर्स आपके बारे में वो चीज़ें कहते हैं जो बहुत ही झूठी होती हैं? दर हकीकत इस पहलू पर बहुत बार मेरी आजमाइश की जा चुकी है और इसी तरह की एक आजमाइश चंद साल पहले बड़े पैमाने पर सामने आई जब एक इलाकाई अखबार में मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा गया और उसका ताल्लुक चीज़ों को गलत तौर पर और यकतरफा पेश करने से था। अब जब मैं उसका सोचती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैं उससे गुजरी, क्योंकि मेरा मतलब मुझे दुख पहुँचा था, मैं परेशान थी, मैं उन तमाम चीज़ों से गुजरी जिससे आप गुजरते हैं और बाला आखिर में इस नतीजे पर पहुंची। आपको पता है कि सबसे पहले तो मैंने गौर किया कि वो खुद नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें ज़रा भी परवाह नहीं कि वो मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं और मैं उनके हाथों में एक खेल की तरह हूं। अक्सर औकात आपको जरिए को समझना पड़ता है और मेरा मतलब कुछ गलत नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि लोग बस समझ नहीं पाते हैं, वो आपको समझने में गलती करते हैं। मैं आज जहाँ हूँ वो लोग देखते हैं पर वो नहीं जानते कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा, क्या कुछ सहना पड़ा। ये वो नहीं जानते कि हमने क्या कीमत अदा की, कि हम किन चीज़ों से गुजरे वो सब करने के लिए जो आज हम कर रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ अंदाज़ा नहीं है। मतलब लोग दूसरे लोगों के बारे में कितना जानते हैं बहुत आसान होता है और ऊपर ऊपर देखकर किसी चीज़ को परखना या उस पर तनकीद करना। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि शैतान किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके आपको हर मुमकिन तरीके से आगे बढ़ने से रोकेगा। लफ्ज़ सदमे का मतलब है रास्ते का पत्थर या अड़चन, किसी चीज़ को किसी की राह में डाल देना ताकि रुकावट पैदा हो जाए। शैतान लोगों के जरिए काम करता है और ऐसी सूरत और हालात पैदा करता है कि हमें दुख पहुंचे और हमारी तरक्की जो है वो रुक जाए। हम जो कर रहे हैं वो शैतान को पसंद नहीं, क्योंकि हम लोगों की मदद कर रहे हैं और जाहिर है कि वो किसी का भी इस्तेमाल करके हर तरह से हमें आगे बढ़ने से रोकता है। मैं आपको इसका बड़ा जवाब या छोटा सा जवाब दे सकती हूँ और मेरी फितरत है कि मैं हमेशा बड़ा जवाब देती हूँ, पर छोटा सा जवाब ये है कि आपको ये फैसला करना है कि आप उन बातों को दिल पर नहीं लेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, और ना उनको अपनी ज़िंदगी पर हावी होने देंगे और ना जज्बाती व जहनी दबाव में आएंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये बड़ी मज़ायका खेज बात है। ये वो है जो मैंने उस सख्त आजमाइश के दौरान सीखा, क्योंकि शुमार व एदाद से ये साबित हो चुका है कि आप चाहे जो भी कर लें 10% लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए चाहे जो भी मैं करूँ या जो भी कहूँ 10% लोग होंगे जो मुझसे मुत्तफिक नहीं होंगे, मेरा जवाब उन्हें पसंद नहीं आएगा और मुझे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे उनके लिए नहीं जीना है। अगर मैं खुदा के लिए जीऊँ और उसकी मर्जी पर चलूँ और उसको खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती रहूँ तो मैं ठीक ठाक
रहूंगी, क्योंकि मैं किसी को जवाब दे नहीं हो जाऊंगी जब मेरी यहाँ की जिंदगी खत्म होगी। बाइबल रोमियो 4:12 में कहती है कि शख्स को खुदा के सामने अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। मेरे ख्याल में वो लोग जो दूसरों पर नुक्ताचीनी और तनकीद करते हैं उन्हें भी ये याद रखना चाहिए। ये दूसरे लोग जो मुझ पर नुक्ताचीनी और तनकीद करते हैं उन्हें मेरी जिंदगी का जवाब देने के लिए नहीं कहा जाएगा, पर उनकी खुद की जिंदगी के बहुत से सवाल होंगे जिनका जवाब उनसे मांगा जाएगा जब खुदा उनसे पूछेगा, तुमने अपना इतना वक्त क्यों सर्फ किया दूसरों पर तनकीद और नुक्ताचीनी करने पर, जबकि तुम्हें खुद अपने मसाइल की फिक्र करनी चाहिए थी। ये सिर्फ एक फैसले की बात है, और आपको कुछ पता है इसके बाद से मैं ऐसा कर रही हूँ और अब मैं बेहतर से बेहतर बनती जा रही हूँ, ये कहने में कि मैं तो अब वहां पहुंची भी नहीं। बस लोगों के लिए दुआ करते रहें, वो करें जो बाइबल कहती है, उनके लिए दुआ करें और बाकी सब कुछ खुदा पर छोड़ दें कि खुदा उसकी परवाह करेगा, क्योंकि खुदा इंसाफ पसंद है और वो तमाम चीजों को दुरुस्त करेगा और गलत चीजों को सही करेगा अगर आप उस पर भरोसा करेंगे तो। और बहुत सी चीज़ों में बहुत सारे लोगों के लिए यही बेहतर है कि वो ये फैसला करें, मैं इसे खुदा के हवाले करता हूँ और उसे इसकी फिक्र करने देता हूँ और मैं अपना वक्त और मेहनत बर्बाद नहीं करूंगा कि ये मुझे गलत राह पर ले जाए। वो कहते हैं जिंजर की शैतान किसी और चीज से ज्यादा इस पहलू पर पहले ईमान के दिलो दिमाग पर छाता है। मैं नहीं समझती कि हमें अंदाजा है कि कितने लोग दुखी, जख्मी, खफा, गुस्सा, मायूस और रंजीदा हैं। वो तमाम किताबें जो लिखी गई हैं और वो तमाम दर्स जो दिए गए हैं इस पहलू पर, वो सारे काफ़ी नहीं हैं और हमें जो है वो बार 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 इस पहलू पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये वो पहलू है जिसका इस्तेमाल शैतान बहुत करता है। और बात फिर वहीं आ जाती है कि आप कितना महफूज हैं। हाँ, और रंज शुरुआत है, क्योंकि अगर आप दिल पर ना लें तो ये इतना ज्यादा परेशान कुल ना हो कि बाद में आपको इससे निपटना पड़े। एक बार जब तलखी की जड़ आपकी जिंदगी में पैवस्त हो जाती है तो आप बड़ी परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हर चीज का मजा आपके लिए तल्ख हो जाता है और आपको हर चीज में कुछ ना कुछ बुराई नजर आती है। मैं जानती हूँ मैं बहुत दुखी और तल्ख थी जिस तरह से मेरी परवरिश हुई थी और बचपन में मुझे जो दर्द दिए गए थे उसके सबब, और मैं हर चीज़ को मनफी ढंग से लेती, बस मनफी ढंग से। मुझे याद है देव और मेरी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था और उन्होंने पूछा तुम्हें हुआ क्या है, क्योंकि हर चीज़ को मैं बहुत तल्ख नज़रिए से देखती। मैं नहीं जानती थी कि मुझ में कुछ खराबी है, मैं समझती थी सारी दुनिया में बुराई है। इस बात को आपको अपने अंदरून में बसने नहीं देना है, क्योंकि इससे दुनिया तब्दील होने वाली नहीं है। चाहे मैं जितनी भी दुखी हूँ और रंजीदा हो जाऊं या बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊं, इससे लोग अपनी राय देना छोड़ नहीं देंगे या मेरे बारे में बात करना नहीं छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहती हूं, अगर मैं इतनी पुख्ता हो जाऊं कि किसी चीज की परवाह ना करूं तो शैतान अपना वक्त मुझ पर बर्बाद नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल। आज इन तमाम सवालों के जवाब देकर सच में मजा आ गया और मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत से लोगों को मदद मिली होगी। आज हम आपको चंद तालीमात मुहैया करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि इस अहम पहलू पर वो आपकी बड़ी मदद करेगी। ये एक पैकेज है जो हम आपको पेश कर रहे हैं जिसमें शामिल है मेरी 4 हिस्सों की सीरीज डीलिंग विद ऑफेंस और मेरी किताब कॉन्फ्लिक्ट फ्री लिविंग। हमारे साथ बने रहें और तमाम मालूमात हासिल करें और यकीनी तौर पर उस पर फौरी अमल करें। टालिएगा नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप देर करेंगे उतनी ही देर आप इसे पाकर आगे बढ़ने में करेंगे। हम चाहते हैं कि आपको एक शानदार जिंदगी मिले और ये एक तरीका है जिससे आप पाएंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए, आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालदीन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joyousmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।